वेलकम बैक गाइस, स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ एक और नई वीडियो लेकर। तैयार इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले अपने इंडस गेम के बारे में। सर आप सभी को पता है इंडस गेम का 26 तारीख को एक ट्रेलर आया था, गेम प्ले ट्रेलर, वो तो आप सभी ने देख लिया होगा। उसके बारे में तो हम बात करेंगे, कुछ और चीजों के बारे में भी बात करने वाला है, लाइक प्री रजिस्ट्रेशन के कुछ इश्यूज वगैरह आ रहे हैं। तो चलो फिर यार वीडियो को करते हैं स्टार्ट। न्यू हो चैनल पे गाइस सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन भी ऑल पे कर लेना। तो कल के दिन तो मैं वीडियो वगैरह नहीं बना पाया था इंडस गेम के ऊपर, बट अभी हम बात करते हैं इंडस गेम के बारे में। तो सबसे पहले मैंने एक चीज देखी, जो इनका ट्रेलर है उस पर अभी तक गाइस 6.5 लाख व्यूज आ चुके हैं। भाई वो बहुत ज्यादा है, मतलब बहुत सही है मेरे हिसाब से। तो अभी हम ना एक बार ट्रेलर देख लेते हैं। एंड ट्रेलर में ना हमें यहाँ पर मेनली अपने जो कैरेक्टर्स है ना उनको रिवील किया गया है, जो कैरेक्टर्स वगैरह होने वाले हैं। प्री रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है, मैंने जैसे कि बताया था हमें क्वार्टर फर्स्ट में देखने के लिए मिल जाएगा प्री रजिस्ट्रेशन। सो फाइनली देखने के लिए मिल चुका है, वो भी जनवरी के मंथ में ही। बात करें गाइस कुछ गेम प्ले की, तो इसमें हमें यहाँ पर सिनेमैटिक्स में गेम प्ले दिखाया गया, मतलब ऑफिशियल गेम प्ले ही है, बट उसमें कंट्रोल्स वगैरह हमें देखने के लिए नहीं मिल रहे। तो इन गेम प्ले को देखने के बाद भाई फील तो यार काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल आ रहा है, बहुत ज्यादा सा मस्त लग रहा है। एंड शुरू में हमें किस्मत शॉटगन चला के दिखाई गई है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर मैप को एक्सप्लोर करके दिखाया गया, जजमेंट गन को चला के दिखाया गया। देखने के बाद यार काफी ज्यादा तगड़ा लग रहा है। मूवमेंट वगैरह टीपीपी में दिखाया गया, एफपीपी में भी दिखाया गया, दोनों चीजें सही लग रही है मेरे को। आप कमेंट में बता देना आपको कैसे लग रही है। एंड उसके बाद मैंने कुछ एक दो नई चीजें देखी, लाइक कुछ मैप की लोकेशन तो दिखाई गई है। एंड इसमें दिखाया गया प्लेयर्स रिमेनिंग 60 इसमें शो हो रहा है, तो मेरे हिसाब से इसमें हो सकता है 60 प्लेयर्स की लॉबी होने वाली है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ बंदे मैप में एलिमिनेट हो गए हैं उसके बाद ये शो हो रहा है, मतलब कि और भी हो सकती है। बट मेनली इस पॉइंट का मतलब शायद यही है कि इसमें हमारे 60 प्लेयर्स ही होने वाले हैं गेम के अंदर, अपने इंडस गेम में। एंड यहाँ पर फिर हमें हीलिंग वगैरह करके भी दिखाई गई है, एंड हीलिंग वगैरह आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की होगी। बाकी तो यार गेम मेरे को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, आप बताना कमेंट में आपकी क्या राय है इंडस गेम से रिलेटेड। अभी हम बात करते हैं प्री रजिस्ट्रेशन के बारे में। सर कुछ बंदों को इशू आ रहा है कि उनके डिवाइस में कंपेटेबल नहीं है अभी। सो मैंने जो मेनली देखा है ना जिनके डिवाइस में कंपेटेबल नहीं है, वो मैक्सिमम डिवाइस 2GB रैम की है, मतलब जो अभी लो एंड डिवाइस है थोड़े उनमें अभी सपोर्टेड नहीं है मेरे हिसाब से गेम। एंड जिनका जो प्रोसेसर है वो ज्यादा अच्छा नहीं है, लाइक स्नैपड्रैगन के 440 या फिर 400 की सीरीज से ऊपर वालों को शायद शो हो रहा है, एंड शायद उससे नीचे वाले या फिर और कोई प्रोसेसर वालों को नहीं हो रहा। ये चीज कंफर्म मैं नहीं बोल रहा, बट मैंने जितनों को देखा है ना उनके लो एंड डिवाइसेज में ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है। अगर आपको कोई हाई एंड डिवाइस है उसमें भी ऐसा कुछ इशू आ रहा है कि आप प्री रजिस्टर कर रहे हो तो आपको दिखा रहा है नॉट कंपेटेबल ऑन दिस मोबाइल, ऐसे करके दिखा रहा है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? अभी ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं, आपको यूट्यूब पे वीडियो वगैरह ऐसे फालतू की मिल जाएंगी कि ऐसे कर लो वो कर लो, अभी सॉल्यूशन कुछ नहीं है। जब तक ऑफिशियली उनकी तरफ से सपोर्टेड नहीं किया जाएगा डिवाइस में तब तक आप नहीं कर पाओगे। इनकी वेबसाइट पे भी आपको एक प्री रजिस्टर का बटन देखने के लिए मिलता है, वो भी एक छोटा सा बेसिकली प्री रजिस्ट्रेशन टाइप ही है, बट आपको उसमें बस अपनी एक छोटी सी डिटेल भरनी है और आप उसको कर लोगे, बट वो अलग चीज है। प्ले स्टोर वाली प्री रजिस्ट्रेशन थोड़ी अलग चीज है, और आपको पता है इन्होंने ऑफिशियली ये भी बोल रखा है कि हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं लो एंड डिवाइस में भी, ज्यादा से ज्यादा मतलब डिवाइसेज में चला पाए लो एंड डिवाइसेज में भी। सो धीरे धीरे शायद हो सकता है अपडेट होकर और भी डिवाइसेज में सपोर्टेड हो जाए, जैसे कुछ और होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी हम बात करते हैं रिलीज डेट के बारे में इंडस गेम की। तो मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मतलब एक्सपेक्टेड इनके ऑफिशियल ने ऐसा कुछ स्टेटमेंट दी थी कि फर्स्ट क्वार्टर में हमें प्ले स्टेशन देखने के लिए मिल सकते हैं, एंड में भी बोला था बट आ गए हैं फाइनली, एंड उसके आफ्टर 3 मंथ में हमें गेम देखने के लिए मिल सकता है। मैंने उस वीडियो में वो दिखाया, आप वो जाकर देख सकते हो, ऐसा बोला था। सो अभी यहाँ पर जनवरी के 26 तारीख को यहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप जनवरी को हटा लो, फरवरी मार्च अप्रैल, चलो हम मई तक भी ले जाते हैं। तो मई तक यार उम्मीद है कि हमें इंडस गेम देखने के लिए मिल जाएगा। अब देखते हैं गाइस जब भी कुछ आता है, मतलब ये नहीं कि मैं फाइनल लॉन्च की बात कर रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ मतलब बीटा में अर्ली एक्सेस में किसी भी तरीके से आए तो हमें इंडस गेम देखने के लिए मिल जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अब आप बताना कमेंट में आपको क्या लगता है। यही था इस वीडियो में, वीडियो अच्छा लगता है वीडियो कर देना लाइक, चैनल पर नहीं तो गाइस कर देना सब्सक्राइब, और इस वेबकैम के फ्लिकर इशू को इग्नोर मार देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, जब तक के लिए बाय बाय।